हम स्टार्ट करने लगे डेवलपमेंट ऑफ एयर। एयर के अंदर हमारे पास तीन पार्ट है, एक्सटर्नल एयर, मिडल एयर, इंटरनल एयर। एक्सटर्नल एयर के अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाता है, ऑरिकल, एक्सटर्नल अकूस्टिक मैटर्स और एक्सटर्नल एयर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का। मिडल एयर के अंदर हमारे पास मिडल एयर ऑसिकल्स आ जाते हैं, दो अदद मसल आ जाते हैं। इंटरनल एयर आ जाती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। इंटरनल एयर के अंदर हमारे पास वेस्टिब्यूल और कॉक्लियर ऑपरेटस आ जाता है, जिसके अंदर कॉक्लियर आ जाता है और वेस्टिब्यूल और सैक्यूल वगैरह आ जाता है। सबसे पहले हमने करना है इंटरनल एयर को। इंटरनल एयर के हमारे पास थ्री पार्ट्स हैं। फोर्थ वीक के अंदर हमारे पास डेवलपमेंट स्टार्ट। सबसे पहले फोर्थ वीक में हमारे पास बनेगा ऑर्टिक प्लैकोड, जो कि बनेगा एक्टोडर्म से, और हमारे पास जो है वो प्री प्लैकोडल फील्ड यहाँ पे बनेगा न्यूरॉन्स का। फिर हमारे पास क्या होगा कि ये हाइंड ब्रेन के साथ बनेगा, हाइंड ब्रेन के कॉडल पार्ट्स के साथ ऑर्टिक प्लैकोड जो है वो इमेजिनेट होगा और सिंक करेगा। वहाँ से बनेगी ऑर्टिक पिट। ऑर्टिक पिट जो है वहाँ उसके एजेस आपस में नजदीक आएंगे, बना देंगे ऑर्टिक वेजिकल। ऑर्टिक वेजिकल जो है वो प्राइमोडियम हमारे पास बनाएगा मेम्ब्रेनस लेबरिंथ का। मेम्ब्रेनस लेबरिंथ जो है वो हमारे पास फ्यूज करके बना देगा एंडोलिम्फेटिक डक्ट एंड सैक। वहाँ से डायवर्टिकुलम ग्रो करेगा, वहाँ से एंडोलिम्फेटिक डक्ट और सैक बन जाएगा। उसका डॉर्सल पार्ट जो है उसको यूट्रिकल कह देंगे, और उस यूट्रिकल से हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल और डक्ट्स और एंडोलिम्फेटिक डक्ट्स, यूट्रिकल और सेमी सर्कुलर डक्ट्स बनेंगी। और हमारे पास वेंट्रल सेक्यूलर पार्ट बनेगा, जहाँ से हमारे पास सेक्यूल और कॉक्लियर डक्ट्स बन जाएंगी। फिर हमारे पास यहाँ ये जो डिस्क लाइक डायवर्टिकुला ग्रो करेगा यूट्रिकल सेक्यूल से, वहाँ से हमारे पास बनेगा प्राइमोडियल मेम्ब्रेनस लेबरिंथ। वहाँ से हमारे पास सेमी सर्कुलर डक्ट्स बन जाएंगे, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। उनके लोकल डायलेशन पार्ट को हम कहेंगे एम्प्यूला और क्रिस्टा एम्प्यूलारिस कहेंगे। और हमारे पास जो है ट्यूबुलर डायवर्टिकुलम बनेगा, यहाँ से हमारे पास उसको हम कॉक्लियर डक्ट कहेंगे। कॉक्लियर डक्ट जो है वो कॉइल ग्रो भी करेगी और कॉइल भी करेगी और मेम्ब्रेनस कॉक्लिया बना देगी। फिर हमारे पास ये दूसरे के साथ जो सेक्यूल वाले पार्ट है उसके साथ ज्वाइन होगी बाय डक्टस रीयूनियन, और ये स्पाइरल ऑर्गन जो है ये डिफरेंशिएट करेगा। गैंग्लियन सेल जो है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व से स्प्लाई होंगे थ्रू एट्स क्रैनियल नर्व। इस तरह का भी डायग्राम से भी दिखा, स्पाइरल गैंग्लियन बनेगा और स्पाइरल गैंग्लियन जो है वो नर्व सेल का, वहाँ से हमारे पास हेयर सेल्स बनेंगे और हमारे पास आ जाएगी वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व जो कि एट्स क्रैनियल नर्व है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कार्टिलेजिनस ऑर्टिक कैप्सूल बनेगा, वहाँ से हमारे पास मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ और हमारे पास जो है बोनी लैबिरिंथ, वहाँ से बन जाएगा स्केलर टिम्पना बाय पेरिलिम्फ और पेरिलिम्फेटिक स्पेस बनेगी। ये मैं दिखाती हूँ, स्केलर टिम्पना, स्केलर वेस्टिबुलर और बोनी लैबिरिंथ। इंटरनल एयर जो अपने अडल्ट साइज और शेप पे पहुंच जाएगा अबाउट 20 से 22 वीक के अंदर, और फंक्शनल हेयरिंग कब एग्जिस्ट करेगी 26th वीक पे। सबसे पहले ये जो हमारे पास न्यूरल फोल्ड वाला लेवल है, यहाँ पे हमारे पास बनेगा ऑर्टिक प्लैकोड। ऑर्टिक प्लैकोड जो है वहाँ पे हमारे पास फिर डिप्रेशन डेवलप होगा, उसको हम कहेंगे ऑर्टिक पिट। ये हमारे पास ऑर्टिक प्लैकोड्स, ऑर्टिक प्लैकोड के अंदर डेवलप होगा ऑर्टिक पिट। ये न्यूरल ट्यूब की साइड्स के ऊपर होंगे दोनों, और हमारे पास ऑर्टिक पिट के जो साइड्स हैं, एजेस हैं, वो आपस में नजदीक आके बना देंगे हमारे पास ऑर्टिक वेसिकल। अब ये जो ऑर्टिक वेसिकल है ये अपनी शेप को मॉडिफाई करेगा, इसके अंदर से एक डक्ट निकलेगी। सबसे पहले एक हमारे पास एलोंगेशन आउटग्रोथ निकलेगी, इसको हम एंडोलिम्फेटिक डक्ट कहेंगे। इसका जो डॉर्सल पार्ट होगा उसको हम कहेंगे यूट्रिकल, और नीचे वाले पार्ट को, वेंट्रल पार्ट को कहेंगे सेक्यूल। ठीक है, डॉर्सल पार्ट से हमारे पास जो है क्या क्या बन रहा था, एंडोलिम्फेटिक डक्ट बन रही थी ये वाली, और हमारे पास बन रहा था यूट्रिकल, और हमारे पास बन रहे थे सेमी सर्कुलर डक्ट्स, ये सेमी सर्कुलर डक्ट्स बन गए। उसके बाद हमारे पास सेक्यूल से क्या क्या बन रहा था, सेक्यूल से हमारे पास सेक्यूल और कॉक्लियर डक्ट बनेगी। कॉक्लियर डक्ट जो है वो ग्रो करेगी और स्पाइरलिंग करेगी। फिर हमारे पास सेक्यूल और जो कॉक्लिया इन दोनों का आपस में यूनाइट किया हुआ है डक्टस रीयूनियन, ये एक छोटी सी ट्यूब ने यूनाइट किया हुआ है। इसके बाद हमारे पास मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ तो बन गई, हमारे पास बोनी लैबिरिंथ बनेगी। बोनी लैबिरिंथ कैसे बनेगी, हमारे पास ये साइडों पर मीसन काइमस को सराउंड करी है, उसके अंदर हमारे पास वैक्यूल फॉर्म होंगे, वो वैक्यूल्स बना देंगे। हमारे पास पेरिलिम्फेटिक सैक जिसके अंदर पेरिलिम्फ प्रेजेंट होगा, और हमारे पास ये जो साइडों पर कार्टिलेज थी, कार्टिलेजिनस ऑर्टिक कैप्सूल, यहाँ से हमारे पास ये कार्टिलेज जो है ये बोन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और हमारे पास बोनी लैबिरिंथ बन जाएगी। और हमारे पास इस तरह इंटरनल एयर की डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। मिडल एयर की बात करें तो मिडल एयर के अंदर हमारे पास ट्यूबो टिम्पैनिक रिसेस सबसे पहले डेवलप होगी, फर्स्ट फ्रेंजियल पाउच से, और हमारे पास जो है ट्यूबो टिम्पैनिक रिसेस से जो है वो उसका प्रॉक्सिमल पार्ट बना देगा फ्रेंजियो टिम्पैनिक ट्यूब यानी कि ऑडिटरी ट्यूब, और उसका जो डिस्टल पार्ट होगा वो बना देगा टिम्पैनिक कैविटी यानी कि मिडल एयर की कैविटी। मिडल एयर ऑसिकल्स बनेंगे, हमारे पास मेलियस और इनकस बनेंगे हमारे पास फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च की कार्टिलेज से, और जो हमारे पास स्टेपीज है वहाँ पे हमारे पास उसका क्रस्ट, बेस ऑफ फुट प्लेट जो है वो हमारे पास बनेगी न्यूरल क्रेस्ट सेल से, और हमारे पास जो उसका आउटर रिम होगा उसकी फुट प्लेट का, वो हमारे पास मेसोडर्मल सेल से डेवलप होगा। और हमारे पास क्या होगा कि लेट फीटल पीरियड के अंदर हमारे पास टिम्पैनिक कैविटी के एक्सपेंशन से हमारे पास मेस्टोइड एंट्रम होगा, मेस्टोइड एंट्रम बनेगा, तो हमारे पास वहाँ पे मेस्टोइड एयर सेल्स होंगे लेकिन उसके अंदर सेल्स नहीं होंगे। पांचवें साल के अंदर उसके अंदर सेल्स डेवलप होंगे, जिससे हमारे पास मेस्टोइड प्रोसेसेस जो स्कल की साइडों पे हमारे पास यूं करके दो अदर प्रोसेसेस होते हैं, मेस्टोइड प्रोसेस वो डेवलप हो जाएंगे। इसके बाद इसकी ब्लड नर्व सप्लाई की बात करें तो फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च की आर्टरी हमारे पास स्टेपीडियस के अलावा जो चीज़ें हमारे पास फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च से डेवलप हो रही हैं उनको फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च की आर्टरी सप्लाई करेगी यानी कि फिफ्थ नर्व, और जो सेकंड से डेवलप हो रही है उसको हमारे पास सेवंथ नर्व डेवलप करेगी। स्टेपीडियस जो मसल होता है वो हमारे पास सेकंड आर्च से आता है, और टेंसर टिम्पनी जो है वो फर्स्ट आर्च से आता है, उसको फर्स्ट आर्च वाली आर्टरी सप्लाई करेगी, इसको सेकंड आर्च वाली आर्टरी सप्लाई करेगी। ये हमारे पास है फर्स्ट फ्रेंजियल जो पाउच था, इससे हमारे पास बनेगी ये ट्यूबो टिम्पैनिक रिसेस। ट्यूबो टिम्पैनिक रिसेस का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो बन जाएगा फ्रेंजियो टिम्पैनिक ट्यूब, और जो डिस्टल पार्ट है उससे बन जाएगी टिम्पैनिक कैविटी। फिर हमारे पास इसके अंदर मिडल ईयर ऑसिकल्स आएंगे, मेलियस और इनकस फ्रॉम द फर्स्ट आर्च, और स्टेपिस का हेड क्रेस्ट और फुट प्लेट जो है वो न्यूरल क्रेस्ट सेल से, और इसका जो आउटर रिम है वो हमारे पास आएगा मेसोडर्म से, और हमारे पास यहाँ पे दो मसल आएंगे स्टेपीडियस और टेंसर टिम्पनी फ्रॉम द फर्स्ट आर्च और स्टेपीडियस फ्रॉम द सेकंड आर्च, और हमारे पास मेस्टोइड एंट्रम। जब ये कैविटी होगी तो ये मेस्टोइड एंट्रम बनाएगी, मेस्टोइड एंट्रम में पांचवें साल के अंदर जो है मेस्टोइड सेल्स प्रोड्यूस होंगे, जिससे मेस्टोइड प्रोसेस बन जाएगा। एक्सटर्नल एयर की बात करें तो एक्सटर्नल एयर के अंदर हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक का पार्ट है, जो हमारे पास एक्सटर्नल पोस्टिंग मेटर से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक्टोडर्मल सेल जो है वो हमारे पास फनल शेप मीटल प्लग बनाते हैं। वो मीटल प्लग क्या करता है, हमारे पास मीटल प्लग के जो सेंट्रल सेल है वो डीजनरेट कर जाते हैं, और इंटरनल पार्ट जो है वो हमारे पास बना के हमारे पास मियाटस बना देता है। मियाटस के बाद जो हमारे पास फर्स्ट फ्रेंजियल जो आर्क फर्स्ट फ्रेंजियल मेम्ब्रेन होता है उसकी इंटरनल आउटर सर्फेस जो है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के आउटर सर्फेस बनाती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के तीन सोर्सेज हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसेनकाइम।
एक्टोडर्म जो आती है फर्स्ट फ्रेंजियल ग्रूव से आती है, एंडोडर्म आती है हमारे पास फर्स्ट फ्रेंजियल पाउच से, और हमारे पास मेसेनकाइम कहाँ से आती है फर्स्ट और सेकंड फ्रेंजियल आर्चेस से। इसके बाद ऑरिकल की बात करें तो ऑरिकल हिलॉक से बनता है जो कि हमारे पास फर्स्ट और सेकंड फ्रेंजियल आर्चेस से बनते हैं, और हमारे पास फर्स्ट फ्रेंजियल ग्रूव भी जो थोड़ा बहुत इसको सराउंड करा था वो भी कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। लोब्यूल जो है वो लास्ट पार्ट है जो फॉर्म होता है, और जब ये फॉर्म होता है तभी हमारे पास बेस ऑफ नेक भी होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैंडिबल डेवलप होती है तो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे चला जाता है। जो हमारे पास फर्स्ट फ्रेंजियल आर्चेस स्ट्रक्चर आ रहा है उनको ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाई करेगी, जो सेकंड से आ रहे हैं उसको फेशियल नर्व सप्लाई करेगी, साथ में लेसर ऑक्सिपिटल और ग्रेट ऑरिकल। ये हमारे पास जो है फर्स्ट फ्रेंजियल आर्चेस से मीटल प्लग बना, यहाँ पे डेवलपिंग एक्सटर्नल अकोस्टिक मैटस, इसके सेंट्रल साइड डिजनरेट करेंगे और ये बन जाएगा एक्सटर्नल अकोस्टिक मैटस। एक्सटर्नल अकोस्टिक मैटस के बाद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास फ्रेंजियल मेम्ब्रेन का पार्ट आएगा, फ्रेंजियल पाउच का पार्ट आएगा, और मेसोडर्म आएगी फ्रेंजियल फर्स्ट और सेकंड पाउचेस की। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है एक्सटर्नल अकोस्टिक मैटस, एक्सटर्नल एयर कहाँ से बनेगा हमारे पास ऑरिकुलर हिलॉक से, और जो हमारे पास है लोब्यूल वो हमारे पास बनेगा ऑरिकुलर के लास्ट पार्ट डेवलप हुए ऑरिकुलर 22nd वीक के अंदर ये एडल्ट स्ट्रक्चर ले। कंजेनिटल डेफनेस के अंदर हमारे पास ये होता है कि कुछ जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, कुछ जो है हमारे पास जीन इन्वॉल्व होते हैं, लाइक GJB2 जीन जो रिस्पॉन्सिबल होता है। 50% नॉन सिंड्रोमिक रिसेसिव हेयरिंग लॉस होता है, ये फर्स्ट आर्च के साथ फर्स्ट आर्च सिंड्रोम के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है। फर्स्ट आर्च सिंड्रोम कौन से थे हमारे पास? ट्रेशर कॉलिन सिंड्रोम और पेरी रॉबिन सिंड्रोम, जिसके अंदर लॉस एट नॉच एयर वगैरह थे, और हमारे पास रुबेला वायरस का इन्फेक्शन की वजह से भी हमारे पास हो सकता है, जो कि क्रिटिकल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट 7th-8th वीक के अंदर रुबेला इन्फेक्शन होगी तभी हमारे पास डेफनेस कॉज हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास फिक्सेशन हो सकती है स्टेपीडियस की, इसकी वजह से हमारे पास कंडक्टिव डेफनेस होगी। ऑरिकुलर एबनॉर्मलिटीज कैसे हैं कि एक्सटर्नल लेयर के डिफेक्ट्स वैसे तो रेयर होते हैं और हमारे पास, लेकिन ये माइनर डिफॉर्मिटीज जो है वो कॉमन होती हैं। उसके अंदर हमारे पास ये है कि माइनर डिफेक्ट कैसे आ सकते हैं, क्रोमोसोमल सिंड्रोम की वजह से, ट्राइसोमी 18 की वजह से लो सेट एयर्स होते हैं, और हमारे पास इन्फेंट्स हैं उनके अंदर मेटरनल इंजेक्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स लाइक ट्राइमेथाडायन है, उसकी वजह से हमारे पास ऑरिकुलर एबनॉर्मलिटीज आएंगी। ऑरिकुलर अपेंडेजेस ये गए हैं हमारे पास, एक तो 6 ऑरिकुलर हिलॉक्स बनने थे ना यानी कि, और उनके फ्यूजन से हमारे पास एक्सटर्नल लेयर बनना था, लेकिन हमारे पास अपेंडेजेस ज्यादा हो जाए, हमारे पास नैरो पेडिकल लाइक कान के साथ हल्का सा यूं करके जो है हल्का सा लोब्यूल स्किन का लटक रहा हो, ये हमारे पास नजर आ रहा है। ये हमारे पास है ऑरिकुलर अपेंडेज, एब्सेंस ऑफ ऑरिकल भी हो सकता है, इसको हम एनोशिया कहते हैं। एनोशिया के अंदर हमारे पास फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, इसके अंदर मेसेनकाइमल प्रोलिफरेशन नहीं होगी। उसके अलावा हमारे पास है माइक्रोशिया, माइक्रोशिया का मतलब स्मॉल ऑरिकल, और इसके अंदर हमारे पास जो है सप्रेस्ड मेसेनकाइमल प्रोलिफरेशन होगी, अगर बिल्कुल नहीं होगी तो एनोशिया, अगर थोड़ी होगी तो माइक्रोशिया। इसके अलावा प्री ऑरिकुलर साइनसिस ऑफ फिस्टुला बन सकते हैं, साइनस ऑफ फिस्टुला का हमने देखा था कि अगर सिंगल ओपनिंग के साथ होगा उसको हम साइनस कहेंगे, अगर वो डबल ओपनिंग के साथ होगा उसको हम फिस्टुला कहेंगे। इसके अलावा हमारे पास एट्रीजिया हो सकता है एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटस का, जो मीटल प्लग बना था वो कैनालाइज ना हो तो हमारे पास एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटस नहीं बनेगा। एब्सेंस हो सकती है एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटस की, वो कैसे होगा कि हमारे पास ऑरिकल तो नॉर्मल दिखेगा लेकिन हमारे पास एक्सपेंशन नहीं होगी फर्स्ट फ्रेंजियल ग्रूव की और मीटल प्लग की, और हमारे पास जो है फिर एब्सेंस हो जाएगा एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटस का। कंजेंटल क्लेस्टिटोमा के अंदर हमारे पास ये कैरेटिनाइज एपिथेलियल सेल्स हैं वो रिटेन रह जाएंगे बर्थ के बाद, और वहाँ पे सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो जाएगा। समरी की बात करें तो ऑर्टिक वेजिकल बनेगा, वहाँ से हमारे पास 4th week के अंदर सरफेस एक्टोडर्म से हमारे पास ऑर्टिक वेजिकल बनेगा, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ बनेगा, इंटरनल ऑर्टिक वेजिकल जो है वो उसके डॉर्सल यूट्रिकल पार्ट बनेगा, जहाँ से हमारे पास यूट्रिकल सेमी सर्कुलर डक्ट और एंडोलिम्फैटिक डक्ट बनेगा, वेंट्रल सर्कुलर पार्ट बनेगा, जहाँ से सर्कुलर कॉक्लियर डक्ट बनेगा, और कॉक्लियर डक्ट से हमारे पास स्पाइनल ऑर्गन बनेगा, बोनी लैबिरिंथ बनेगा, हमारे पास जो मेसेनकाइम सराउंड कर रही होगी ना मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ को उससे हमारे पास बोनी लैबिरिंथ बनेगा, फ्रेंजियो टिम्पैनिक ट्यूब, टिम्पैनिक कैविटी, मैस्टॉइड एंड्रम और ट्यूबो टिम्पैनिक रिसेस जो फर्स्ट फ्रेंजियल पाउच से ड्राइव होंगे, और मिडल ईयर ऑसिकल जो है वो हमारे पास फर्स्ट टू फ्रेंजियल आर्चेस से बनेंगे, और एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटस की जो एपिथेलियम में वो डेवलप होगी एक्टोडर्मल फर्स्ट फ्रेंजियल ग्रूव से, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो 3 सोर्सेज से डेवलप होगी, एक्टोडर्मल एंडोडर्मल और मेसेनकाइमल और फर्स्ट फ्रेंजियल पाउच ग्रूव और आर्च, दोनों के अंदर जो मेसेनकाइम होगी वहाँ से। ऑरिकल्स जो है वो हमारे पास एक ऑरिकुलर हिलॉक से डेवलप होगा, और कंजेंटल डेफनेस हो सकते हैं हमारे पास एबनॉर्मल मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, बोनी लैबिरिंथ और ऑडिटरी ऑसिकल्स की वजह से, और इनहेरिटेंस रिसेसिव ट्रेट की वजह से, और हमारे पास रुबेला वायरस की इंफेक्शन की वजह से, और माइनर एनोमलीज की हो सकती है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज लाइक ट्राइसोमी 13 एंड ट्राइसोमी